अलैकुम, कैसे हैं आप सर? ये मैंने कुछ पॉट्स लिए हैं दीवार पे लगाने के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती चलूँ कि मैंने दीवार पे लगाना है। तो ये दोनों मैंने कुछ अर्सा पहले लिए हुए थे, फिर मैंने सोचा कि इनके साथ एक दो और भी हो जाएं तो दीवार अच्छी लगेगी। तो ये दोनों जो हैं इनमें सुराख, तो मैंने सोचा इनमें प्लास्टिक लगा के मिट्टी डाल दूं ताकि बाहर ना निकले। तो इन दोनों में मैंने प्लास्टिक डाल दिए हैं। ये दोनों थोड़े पुराने हैं, इनमें अर्सा पहले मैंने एक पौधा लगाया था। दोनों में मैंने पौधे लगाए हुए, इसमें और इसमें, दोनों में सनरोज हैं। इसकी मिट्टी बहुत अच्छी है, कंपोस्ट लगा हुआ है इसमें। इसको मैं अब इस पॉट में डालूंगी। इसमें मैंने मनी प्लांट लगा दिए, देखिए। और इस वाले में अब ये एरोप्लांट, इसमें मिट्टी ज्यादा है इसलिए हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। ये थोड़ी सख्त हो गई है इसलिए हम इसको पानी डाल के नरम कर लेंगे। और अब इसमें डालना है ये पौधा। मिट्टी ना निकले इसमें ये डाल देंगे। आराम से करना है क्योंकि इनके रूट्स बहुत नाजुक होते हैं, कहीं टूट ना जाए। जैसे हम अपने बच्चों को रखते हैं प्यार से, इसी तरह पौधे भी छोटे बच्चों की तरह होते हैं, नाजुक से, इसलिए इनको बहुत एहतियात से रखना पड़ता है, बहुत प्यार से लगाना पड़ता है। मिट्टी से मैंने कंपोस्ट भी डाली थी। इसे मैंने कंपोस्ट डाला था। ठीक है, अब ये हो गए। इनको मैंने ऐसे लगा दिए। अब इसके सामने ये वाला लगा दूंगी।
ठीक है, ऐसे आप इधर जो है अब मैं इसको लगा लूंगी। आसानी से लगता नहीं क्योंकि पीछे से पता नहीं चलता की तरह कि ये चारों मैंने इस तरह लगा दिए, ये दोनों इधर और ये दोनों इस तरफ। मैंने इनकी कटिंग लगाई है तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे। और इधर दो मैंने एक्स्ट्रा कील लगा दिए क्योंकि इधर भी मैंने एक दो और लगाने हैं, तो ये पूरे छह बन जाएंगे। तो एक दीवार इससे पूरी बढ़ जाएगी। सर्दियों में वैसे भी थोड़ा पानी लगता है। मैंने इन चारों को यूं लगा दिए, इनकी इन पौधों की मैंने कटिंग लगाई थी तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी बड़े हो जाएंगे। और फिर मैं इन दोनों दो और मैंने कील लगाए हैं तो उनको भी फिर मैं लेके इधर लगा लूँगी। ये इनके जो ये सूखे पत्ते हैं ये हटा दें ताकि ये अच्छे नहीं लगते। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।